आज मैं कच्चे केले से बहुत ही बढ़िया रेसिपी बना रही हूँ और हेल्दी तरीके से बनाऊंगी और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। एक बार आप बनाकर खा लेंगे ना तो हफ्ते में 3-4 बार जरूर बनाएंगे। बड़े और बच्चे सभी पसंद करेंगे और बनाना भी बिल्कुल आसान है और केला मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं आधा किलो कच्चा केला ली हूँ। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। 500 ग्राम है जो 4 केले इसमें आए हैं। तो इसे मैं अच्छे तरीके से धो ली हूँ और जो इसका डंठल है इसे काट के और छील ले रही हूँ। छीलना भी आसान है, आप चाकू से भी इसे छील सकते हैं। कच्चे केले के कई तरह की रेसिपी बनती है। इसका चिप्स भी बनता है और सब्जी भी बनती है, सूखी सब्जी बनती है। तो लेकिन आज मैं नए तरीके से नई रेसिपी बना रही हूँ, आप ज़रूर ट्राई करें इसे। और एकदम सादे ग्रेवी के साथ बनाएंगे, टमाटर भी नहीं इसमें इस्तेमाल करेंगे। मैं इसे छीलने के बाद ग्रेट कर ले रही हूँ। चाहे तो बड़े वाले ग्रेटर से कर लें या छोटे से, जैसे आपको पसंद हो उसी से कर सकते हैं। बड़े वाले से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, छोटे वाले से ज़्यादा महीन हो जाता है। ग्रेट करने के बाद इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ और 1 चम्मच इसमें मैं नमक डाली हूँ। 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक डाल दे रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और इसमें 1 हरी मिर्च काट के डाली हूँ। मिर्च भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। बेसन डाल दे रही हूँ इसमें 3 चम्मच। पानी नहीं डालना है, पहले बेसन से ही आटा लगाना है। जब ये गीला लगे तब इसमें 1 या 2 चम्मच बेसन और डाल दें, क्योंकि इसमें नमक डाल दी हूँ। कोई भी सब्जी में नमक डाल दो तो पानी हो जाता है, तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जो केला है ना उसमें काफ़ी पानी होता है, उसी से ये लग जाता है। एकदम नरम लगाना है, आटे की तरह नहीं लगाना जैसे रोटी का आटा लगाते हैं, ऐसे नहीं। अगर गीला लगे तो 1/2 चम्मच बेसन आप और डाल सकते हैं। तो अच्छे तरीके से मिला ली हूँ, फिर भी आप देखें 4 चम्मच बेसन डाली हूँ, काफ़ी गीला है। अब हम इसे स्टीम करेंगे। ये मैं एक प्लेट ली हूँ जाली वाला, इसमें तेल लगा दे रहा हूँ ताकि चिपके ना। आप सादा प्लेट भी ले सकते हैं। इस तरीके से जो समय से उपलब्ध हो वही ले लें। गैस पे मैं पानी रखी हूँ, पानी में उबाल आ चुका है, 2 ग्लास पानी है। और इसको हम रख देंगे जिसमें तेल लगाई हूँ। इसी के ऊपर हम ये छोटा छोटा बॉल्स बनाकर रख देंगे। साइज अपने इच्छा अनुसार छोटा बड़ा बना सकते हैं, बहुत बड़ा ना बनाएं ताकि आसानी से ये पक जाए और इसके अंदर ग्रेवी भी अच्छे तरीके से चली जाएगी। इस रेसिपी को बनाना बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होती है। कच्चा केला हेल्दी भी होता है। आप चाहें तो ऐसे इसे पकौड़े की तरह डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई करने से तेल इसके अंदर काफ़ी चला जाता है। आप चाहें तो स्टीम भी कर लें, जैसे आपको पसंद हो। अगर तेल घी से परहेज ना हो तो डीप फ्राई इसे कर सकते हैं। तो मैं सारा इसमें लगा दे रही हूँ। इसके बाद हम इसे कवर कर देंगे कम से कम 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। इतने में अच्छे तरीके से स्टीम होकर तैयार हो जाता है। अगर यह रेसिपी आपको ज़रा भी पसंद आ जाए तो अपने फैमिली और मित्रों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हों, अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो इसे पकते लगभग 12 मिनट हो चुका है, अच्छे तरीके से ये पक चुका है। इसे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 11-12 मिनट आप इसे स्टीम कर लेंगे। इसे मैं निकाल कर थोड़ा ठंडा कर ले रही हूँ। ठंडा हो जाता है तो बहुत आसानी से ये छूट जाता है। गरम गरम में हल्का सा बर्तन में पकड़ा रहता है, चिपका रहता है, तो गरम गरम में टूट भी जाता है, इसलिए थोड़ा ठंडा होने देंगे। मैं आधा कप दही ली हूँ और इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ। और इसमें भी मैं बेसन डाल दे रहा हूँ ताकि हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो। इसमें हम लगभग 1/2 छोटा चम्मच बेसन डालेंगे। अच्छे तरीके से मिला ले रही हूँ। दही में थोड़ा मसाला मिला देते हैं ना, तब जब हम कढ़ाई में डालेंगे गरम गरम मसाले के साथ तब दही फटता नहीं है, इसलिए इसमें मसाले डाल लेंगे तो रेसिपी बढ़िया बनेगी। मिला ले रही हूँ, दही थोड़ा खट्टा इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको खट्टा दही ना पसंद हो तो ताजी दही ले सकते हैं। 1 मीडियम साइज़ की प्याज काटी हूँ और लहसुन अदरक दरदरा में कूट ली हूँ। 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन अदरक
दरदरा कूटी हूँ, ये भी ठंडा हो गया है, आसानी से छोड़ दे रहा है। इसे चाहे तो आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। जिन लोगों को तेल घी से परहेज है ना, इसे धनिया पुदीने की चटनी बना लें, चटपटी, बहुत अच्छा लगता है ये पकौड़ा। तो गैस पर मैं कढ़ाई रखी हूँ, इसमें मैं सरसों का तेल डाल दे रही हूँ, लगभग 2 बड़ा चम्मच। जैसे तेल गर्म हो जाए इसमें आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सरसों, आधा आधा चम्मच डाली हूँ। और इसमें हम तेज़पत्ता, दालचीनी भी डाल देंगे, 2 लौंग और 2 काली मिर्च भी डाल दे रही हूँ। खड़े मसाले डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मसाले जलने ना पाए, थोड़ा सा पक जाए तब इसमें प्याज डाल दें। मैं टमाटर नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, सादी ग्रेवी बना रही हूँ, टमाटर के खटास से अच्छा लगता है। इसमें मैं 2 पिंच हींग भी डाल दी हूँ, थोड़ा खट्टापन आए रेसिपी में, इसीलिए मैं इसमें दही इस्तेमाल कर रही हूँ। तब प्याज भी हमारी पक चुकी है, कलर अच्छा आ गया है। आप चाहें तो टमाटर को पीस कर इसमें डाल सकते हैं। अब मैं जो दही और मसाले मिक्स करके रखी थी डाल दी हूँ, थोड़ा सा पका लेंगे, चला देंगे, नहीं तो दही फट जाएगा। वैसे मसाला डाली हूँ, फटने का कोई चांस नहीं है। यह लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का दरदरा कूटा हुआ पेस्ट, इसे आप प्याज में भी भून सकते हैं। मैं साइड में रख दी थी, भूल गई, इसलिए अब डाल दी हूँ। जब प्याज भुने थे ना उस वक्त भून देंगे, अच्छा टेस्ट आएगा। तो मसाला अच्छे तरीके से पकाएं, तभी बढ़िया टेस्ट आएगा, दही भी पक जाता है बढ़िया से। 4-5 मिनट तक पकाएंगे, अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद इसमें मैं ये कोफ्ते डाल दी हूँ जो केले के बनाई हूँ, और मिला दे रही हूँ। अगर आप ग्रेवी वाली सब्जी ना पसंद करते हो ना, तो ऐसे कोफ्ते मिक्स करके आधा कप पानी डालकर 2 मिनट के लिए कवर कर दें, तो ये सूखा ही रहेगा, ग्रेवी नहीं होगी इसमें। मैं ग्रेवी वाला बना रही हूँ, कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल दे रहा हूँ जिसमें दही फेटी थी, इसमें दही मसाला लगा था, और इसमें 2 कप पानी में और डाल दे रही हूँ। ग्रेवी अपनी इच्छा अनुसार थोड़ी सी गाढ़ी या पतली, जैसे पसंद हो बना सकते हैं। खड़े मसाले के बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 छोटा चम्मच नमक डाली हूँ, 1 चम्मच गरम मसाला डाली हूँ, और मिला दे रही हूँ। मिलाने के बाद इसे 4-5 मिनट के लिए धीमी आंच पर कवर कर देंगे, ताकि सारे मसाले का फ्लेवर आपस में घुल मिल जाए, और जो कोफ्ते हैं ना इसके अंदर भी टेस्ट अच्छा आ जाता है मसाले के साथ पकता है। तो 4 मिनट हो चुका है, अच्छे तरीके से ये पक चुका है। मैं लगभग 4 से 5 मिनट इसे धीमी आंच पर पका ली हूँ। तो ये देखिए हमारा कोफ्ता करी तैयार है। इसमें एक सीक्रेट चीज़ और डाल रही हूँ, ये है कसूरी मेथी। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, कमाल का स्वाद आता है। एक बार आप डाल के देखें, कसूरी मेथी लास्ट में ही डालें, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इसमें 1 चम्मच में आमचूर पाउडर डाल दी हूँ, थोड़ा खटास के लिए। ना पसंद हो तो ना डालें, अगर आपको अच्छा लगता हो तो डाल सकते हैं। मिला दी हूँ धीमी आंच पर, इसे हम 1 मिनट और कवर कर देंगे। लगभग 1 मिनट हो गया, हमारी सब्जी हो गई है तैयार। ये ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी ठंडा होने के बाद। ये देखिए लगभग 10 से 15 मिनट हो चुका है इसे ठंडा होते, ग्रेवी गाढ़ी हो गई है। जो इसमें खड़े मसाले हैं ना, इसे आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट सब्जी में आ चुका है। मैं एक बर्तन में निकाल दी हूँ। इसे आप रोटी, पूरी, परांठा सभी के साथ खा सकते हैं। चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है इसकी ग्रेवी। अगर तीखा पसंद हो तो मिर्च रख लें, खट्टा पसंद हो तो नींबू भी रख लें। चावल के साथ इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है। इस रेसिपी को आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हमें भी पता चले कि हमारी यूट्यूब फैमिली हमसे कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। तो मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।